मैसेज पेमेंट हुआ नहीं पेमेंट हुआ अरे बेटा आराम से मैंने कहा ना पेमेंट हुआ सिद्धेश दीपू ये हमारी ट्रेन नहीं है बेटा तो हमारी ट्रेन कब आएगी आधे घंटे में आएगी आ जाओ इधर बैठो देखना जब ट्रेन आएगी तब पहले मैं बैठूंगा क्योंकि मैं छोटा हूँ नहीं बड़े बैठते हैं छोटे नहीं बैठते ये मोबाइल का रख दिया मैंने नहीं तू बैठ जा भैया ये देखो मैं टिपू सिद्धेश सिद्धेश दीपू सिद्धेश चलो तुम लोग कहाँ गए थे मेरे पास कुछ पैसे थे ना तू उस पैसे की ना हम लोग ने आइसक्रीम खरीद ली थी अब खाओगे चुप सर्दी में कोई आइसक्रीम खाता है क्या और मुझे भी खिला रहे हो चुपचाप बैठो यहाँ पे दिल्ली जाने वाली 1-2-4-0-2 अनाउंसमेंट भी हो गई अभी 10 मिनट में हमारी ट्रेन आ जाएगी हाँ ये अरे यही है चार पंच भाई साहब एक मिनट बैठ गए ट्रेन में जा जा अंदर जा जा तेरे को विनी को पास बैठना है ना जा जाके बैठ जा थैंक यू भैया ये इसके नीचे रख दो बेटा पैर हटाओ भैया ट्रेन चल पड़ी मैं उधर बैठ जाता हूँ अरे सिद्धेश बेटा वो अंकल की सीट है वहां से हटो अरे बैठने दीजिए बहन जी बच्चे हैं बैठो बैठो मैं दीपू के पास बैठ जाता हूँ अरे बहुत ठंड है भैया अरे दरवाजा बंद करना अरे भाई साहब बैठ जाएं हाँ बैठिए दीदी यहाँ बैठ जाएं कहाँ जाएंगे आप मुगल सर मुगल सर आए 6-7 घंटा हो जाएगा दीदी आ गए, 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 आपको सोना होगा तो बता दीजिएगा हम गेट पे चले जाएंगे प्रेम से सियापति राम चंद्र की भैया क्या हो रहा है दिख क्या तो साझे हो रहे बैठ इधर जान लीजिए दीदी वाकई में तो रहेंगे और ट्रेन तो चल ही रहा है बताना क्या हो रहा है वहाँ कुछ नहीं कीर्तन हो रहा है तुम लोग अभी सोने की तैयारी करो मैं शॉर्ट्स निकालती हूँ दोनों शॉर्ट्स पहन लेना ठीक है हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा श्री रामचंद्र की यह बहुत शांति है भजन कीर्तन में समझ रहे हैं अरे बहुत संतोष मिला कीर्तन सुन के हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे प्रसाद हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे भैया जी सोना है हमको हाँ आप सुइए हम चल जाते हैं ट्रेन के दूसरे यात्रियों की तरह सरिता जोशी ने भी प्रसाद खाया था हमारा मानना है कि भगवान के नाम के प्रसाद को हम मना नहीं कर सकते भगवान नाराज हो जाएंगे ऐसे ही ख्यालात का खामियाजा भुगतने वाले थे ट्रेन में सफर करने वाले ये यात्री और खास करके सरिता ट्रेन के लंबे सफर में दोस्त बनाना अच्छी बात है लेकिन किसी पे आंख बंद करके भरोसा करना ये कतई समझदारी नहीं सभी रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, बस स्टैंड और पब्लिक प्लेसेस पर ये घोषणा की जाती है कि किसी भी लावारिस पड़े सामान को हाथ ना लगाएं और किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने की कोई चीज ना लें मगर फिर भी हम ये गलती कर ही जाते हैं
वही कर रहे हैं महाराज। अरे जल्दी कर जल्दी, अभी 3-4 घंटा नहीं उठेंगे ये लोग। अरे जल्दी करो, ट्रेन धीमा हो रहा है, जल्दी करो। चाय गरम चाय। अरे खोलो, मुगल सर आ गया, चाय पीने के लिए गरम करे। अरे चाय पीने के लिए। क्या हुआ क्या हुआ? अरे देखो ना साहब, दरवाजा बंद है, सारी खिड़कियां बंद है, किशन आ गए साहब। तुम जाकर उसे कुंडी खोलो, मैं देखता हूँ। हाँ हटो हटो। चलो चलो, मुगल सर आ गया। जल्दी आ, मार मत, ले क्या जल्दी। माँ के पास जाना है। चलो चलो, माँ के पास जाना है। मारेंगे अभी हम, मार पड़ेंगे। मैं सोया था, मेरे सामान चोरी हो गया साहब। आप, मेरी शादी का सारा सामान चोरी हो गया साहब, कुछ नहीं बचा साहब। ट्रेन में कोई सिक्योरिटी होती ही भी नहीं है क्या? ऐसे कैसे जल्दी ट्रेन में सामान चोरी हो सकता साहब? एक मिनट, आप लोग एक एक करके अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं सबकी बात सुनूं। एक एक सब मेरे बच्चे नहीं मिल रहे सर। बच्चे नहीं मिल रहे, बच्चे चोरी हो गए। मैंने पूरी बोगी चार मार ली, मेरे दोनों बच्चे नहीं मिल रहे। आप घबराइए मत, दूसरे बोगी में होंगे। सुबह एक काम करो, बोगी चेक करो, देखो इनका बच्चा नहीं मिल रहा। आप घबराइए मत, बच्चे मिल जाएंगे। सर बच्चे नहीं मिले। देखिए, आप अपने आप को संभालिए। मैं इंस्पेक्टर राजेश तिवारी, इस केस को मैं ही हैंडल करूं। सर, मेरे बच्चे को ढूंढ निकालिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए सर, प्लीज। जी, आप फिक्र मत कीजिए। इनके घर वालों को खबर की? सर, ये अकेली रहती है। मेरे पति पिछले साल ही गुजर गए, अब मेरे बच्चे ही मेरा सहारा थे, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। उन्हें कुछ नहीं हो, आप मुझे ठीक से बताइए कि हुआ क्या था। आपने अपने बच्चों को आखिरी बार कब देखा था? भैया, क्या हो रहा है? रुक, दिख क्या रहा? हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे। प्रसाद, एक बात तो क्लियर है कि प्रसाद में कुछ मिलाया गया था, वरना बोगी में किसी की नींद ना खुले, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा पहले भी कभी हुआ है? सर, खाने में कुछ मिलाना और देना किसी को और चोरी करना, ये पहले हुआ है, लेकिन इस तरीके से बच्चे का गायब होना ये पहली बार हुआ है। कैसा हो सकता है कि आपके बच्चों को किसी ने किडनैप किया हो? किडनैप? हमारे पास यही क्या देने के लिए सर? कुछ नहीं है, मेरी किसी से दुश्मनी भी नहीं है सर, कोई क्यों किडनैप करेगा? मुझे लगता है ये उन्हीं चोरों की करतूत है।
सर, मैं आप दोनों के हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को कैसे भी करके दूर निकालिए वरना मैं मर जाऊंगी सर। वो कैसे होंगे, कौन से हालात में होंगे? तकरीबन हर 8 मिनट में एक बच्चा या तो किडनैप हो जाता है या गायब हो जाता है, और ये तो वो गिनती है जिनकी रिपोर्ट की जाती है, और लगभग 40% बच्चों का कुछ पता नहीं चलता। इन बच्चों के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है, जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आपका दिल दहल उठेगा। सिद्धेश और दीपेश के बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ट्रेन में छोटी मोटी चोरियां करने वाले कुछ बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा जरूर था, लेकिन उनसे भी कोई खबर नहीं मिली। जीआरपी और यूपी पुलिस को ये यकीन था कि ये बच्चे पटना और मुगल सराय के बीच में कहीं भी हो सकते हैं। अरे बैगवा के चक्कर में बच्चुआ पकड़ ला है। चेहरे पे और कोई दाग धब्बा? क्या प्रोग्रेस है? ऑलमोस्ट डन सर। बोगी के सारे पैसेंजर्स ने उनको देखा था, इसलिए स्केचेस बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सभी स्केचेस रेडी होने पर 300 किलोमीटर के दायरे में जितने भी पुलिस स्टेशन है सब में भिजवा देना। ओके सर। और उन बच्चों के फोटोग्राफ्स के प्रिंट्स रेडी हुए? रेडी सर। इन्हें भी हर पुलिस स्टेशन में भेजो। ओके सर। और जीआरपी को भी भेजो जी, ताकि वो हर रेलवे स्टेशन में लगवा दे। ओके सर। और सुनो। जी सर। ये केस बहुत सेंसिटिव है, अलर्ट रहना। ओके सर। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी। सुनो, सारा माल कलुआ घर में चुका देते हैं, सीधा 2-3 महीने बाद बेचेंगे इसको। समझाओ इन दोनों को, पिछली बार माल पार किए थे ना, दूसरे दिन बेचने की जल्दी और धरा गए थे पुलिस के हाथ। अच्छा, पिछली बार का गलती याद है और इस बार का गलती है? इन पिल्लों का क्या करेंगे? इसी स्टेशन पे ले जाकर छोड़ देते हैं सालों को। स्टेशन पे ले जाके छोड़ देते हैं, घूर घूर के जो सकले देखे हैं ना, ये जाके पुलिस को बताएंगे, सब के सब पकड़े जाएंगे। स्टेशन पे छोड़ देते हैं, मार दें। पगला गए हो का? और मारने के बाद? इतना आसान है, मार दें। कुछ पैसेंजर्स का कहना है कि ट्रेन जब बक्सर से चल पड़ी तब वो सोए थे। इसका मतलब चोरी बक्सर और मुगल सराय के बीच में हुई है। बक्सर और मुगल सराय के बीच कोई भी ऑफिशियल स्टॉप नहीं है ट्रेन का, पर हाँ ये पता किया जा सकता है कि ट्रेन रुकी थी या नहीं, रेड लाइट की वजह से या फिर चेन पुलिंग। नहीं, जिस चालाकी से क्राइम हुआ है मुझे नहीं लगता कि इन्होंने चेन पुलिंग की होगी, क्योंकि इससे साफ पता चल जाएगा कि ट्रेन किस गांव में रुकी। ठीक है सर, तो फिर मैं बाकी के स्टेशनों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। सर, मुगल सराय और बक्सर के सीसीटीवी फुटेज चेक करने का इंतजाम हो गया। आप वो फुटेज चेक कीजिए, मैं बक्सर की फुटेज चेक करता हूँ। वैसे यहाँ के फुटेज में कुछ भी मिलने की संभावना कम है, पर फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। राइट। चोरी बक्सर और मुगल सराय के बीच में हुई। आपने जो मुझे ये फुटेज दिखाई, ये बक्सर से मुगल सराय जाने वाली ट्रेन का। जी सर। ये भी तो हो सकता है कि चोरों ने उल्टी दिशा की ट्रेन पकड़ी। आप मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली ट्रेन की फुटेज दिखाओ, हर प्लेटफॉर्म पे। जी सर। जब मुगल सराय, पटना, आरा और बक्सर की सीसीटीवी फुटेज से कोई सुराग नहीं मिला, तो पुलिस ने हर स्टेशन के स्टेशन मास्टर से लेकर कुली तक सबसे पूछताछ करनी शुरू की। साथ ही जीआरपी की मदद से वो लॉग भी चेक करना शुरू किया जो ट्रेन्स के आवागमन के लिए बनाया जाता है, मतलब स्टेशन पर ट्रेन कितने बजे पहुंची, कितनी देर का स्टॉप था, और दो स्टेशन्स के बीच में क्या ट्रेन कहीं रुकी, और अगर रुकी तो उसकी वजह क्या थी। और आखिर में पुलिस पहुंची उस रात मगध एक्सप्रेस चलाने वाले लोको पायलट यानी कि ट्रेन के ड्राइवर के पास। कल जो आपकी गाड़ी में इंसिडेंट हुआ चोरी का, हमने उसको इंक्वायरी की है, लॉगबुक के हिसाब से पता लगा है कि मुगल सराय बक्सर के बीच में गाड़ी कहीं नहीं रुकी। सर, चलती गाड़ी से कूदना तो संभव नहीं है। बक्सर जब ट्रेन पहुंची तो उसकी सारी खिड़कियां खुली हुई, मुगल सराय में बंद थी। चोरी बक्सर और मुगल सराय के बीच में हुई है, तो इस बीच गाड़ी कहीं रुकी थी? बक्सर और मुगल सराय के बीच में एक स्टेशन आता है महुआ, वहाँ गाड़ी को बहुत धीमा चलाना पड़ता है। धीमा मतलब कितना धीमा? तकरीबन 20 की स्पीड से या 10 की स्पीड से भी। इसका मतलब अगर कोई चाहे तो वहाँ पर उतर सकता है? हाँ सर, ऐसा हो सकता है। क्या नाम बताया स्टेशन का? सर, महुआ। महुआ। भाई नीरज, जाना पानी पिलाना उसको, दिमाग का दही हो गया है।
भैया बक्सर में पटना में हर जगह इन दोनों की फोटो लगी हुई है। हम तो पहले ही कह रहे थे कहीं छोड़ देते जाके। अबे छोड़ देते तो सबके सब अभी तक अंदर होते। देखो गफूर भाई है बक्सर में, वो बच्चे खरीदते हैं, अगर सब लोग चाहो तो उनको वहाँ बेच दे। अरे यार करना है जो करना है जल्दी करो, तो पकड़ जाएंगे सब लोग। आपके भेजे हुए स्केचेस में ये दो आइडेंटिफाई हुए, ये दोनों हिस्ट्री शीटर्स है सर। छोटी मोटी चोरी में कई बार पकड़े गए पर कोई भी बड़ा क्राइम इनके नाम पर दर्ज नहीं है, जैसे किडनैपिंग, मर्डर या फिर रेप। इनका एरिया कौन सा? एरिया नहीं रूट, यही पटना से मुगलसराय का रूट। ठीक है आप इन्हें पकड़ने की कोशिश कीजिए, मैं महुआ जा रहा हूँ। ठीक है। आप लोग वहां देखो, सुन इन दोनों बच्चों को इस एरिया में कहीं देखा है? नहीं सर। सुन 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 इन बच्चों को कहीं देखा है? नहीं सर। कौन है ये? किसने ट्रेन से इनको उठवा लिया है? शके इसी एरिया में देखा है कि नहीं सर। ए भाई देख के चलो ना। आप कैसे हैं? आप मेरे बच्चे। बच्चे हिम्मत तो दिखा रहे थे लेकिन उन शातिर बदमाशों के सामने भला वो करते भी क्या? डर सिर्फ एक बात का था कि जिस तरह से किडनैपर गुस्सा दिखा रहा था बच्चों पर खतरा बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस महुआ पहुंच गई थी और हर जगह पूछताछ कर रही थी। उनके खबरी भी पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन बच्चों के बारे में कोई खबर नहीं मिल रही थी। हे भगवान काहे मारे इनको इतना, चिल्लाद हो गए हो क्या तुम लोग? चलो बेटा अंदर आज। अंडी तुम माँ के पास जाने? हाँ बेटा हम तुमको तुम्हारी माँ के पास लेके जाएंगे। हाँ मैं लेके जाऊंगी तुमको। अच्छा तुम लोग शरबत पियोगे? तुम भी? मैं अभी लेकर आती हूँ। कौन है? गफूर भाई से बात किए थे ना, वो बोले थे कि इस औरत के पास बच्चे लेके आना। लो बच्चों शरबत पियो। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ इस तरह बच्चों को मारकर बहुत बहादुर बन रहे हो। श्याम जी बता रहे हैं पुलिस बहुत चौकन्नी हो गई है। चलो उठाओ बच्चों को, बच्चे भी सो गए, जल्दी चलो चलो जल्दी। रातों रात बच्चों को महुआ से हटा दिया गया। यूपी पुलिस महुआ का कोना कोना ढूंढती रही लेकिन उन्हें बच्चे कहीं नहीं मिले। ये केस पुलिस के लिए ऐसा था जैसे अंधेरे में तीर चलाना। तीर तो निशाने पर लगना था लेकिन निशाना कहाँ है ये दिखाई नहीं दे रहा था। और अब इन दोनों बच्चों को ऐसे अंधेरे भविष्य की तरफ ले जाया जा रहा था जहां तकलीफ और आंसुओं के सिवाय और कुछ भी नहीं था।
काम बोला करने के लिए काम करना, चल अंदर चल। दे दे राम दिला दे राम, सबका दाता सीताराम। दे दे राम दिला दे राम, सबका कौन दिला रहा है? वो बांधो उसका, उसको बोला है ना कहीं यहाँ से निहार काटना, बता दिया भाई उसको? हाँ, पिछली बार करवा दिया था, उसका आवाज अच्छा है, आग बहुत बढ़िया है इसका। समझ गया, चल जा जाओ बैठ कर, आओ जाओ जाओ बैठ कर। कपूर भाई बाल, कपूर भाई आपको बोले थे ना हम, वो दो बच्चे हैं, ये दिखाइए। कहाँ करें इनका? कपूर भाई बहुत दूर से लेकर आए हैं बच्चों को यहाँ तक। तो उसका रिस्क तो हमको भी है ना, जो बच्चे पुलिस की नजर में आ जाते हैं वही तो बाद में परेशान करते हैं, और पुलिस भी परेशान करती है। पर कपूर भाई आपको कौन सी है? हम भी तो उसी कानून के अंदर है ना भाई। है गुलाम ये भाई 2000 दे दो। क्या 2000? ये कम है, ले जा पापा ले जा, जाओ ए, चलो। आप सही बोले थे, लेकिन कि आप जानते हैं कि हम लोग भाड़ा किराया लगा के लाए हैं तो कम से कम 5000 तो बनते ही हैं ना। 3000 दे दो इनको। गुलाम जाओ 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 जाओ। दोनों बच्चे देखने में तो बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह, इनकी अच्छी कीमत मिलेगी, लगता है बहुत मारा है। ठीक है तैयार करो, और देखो बहुत चोट वोट नहीं लगना चाहिए। जी भाई। कहे कि इनकी मासूमियत ही हमारी कमाई है। एक तरफ बच्चे बक्सर पहुंचा दिए गए थे और दूसरी तरफ स्केच ठीक से ना बनने के कारण यूपी पुलिस और जीआरपी को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पटना से मुगल सराय के बीच पुलिस के मुखबिरों से लेकर जीआरपी के ऑफिसर्स और यूपी और बिहार पुलिस की हर चौकी के पास बच्चों की तस्वीरें पहुंचा दी गई थी। पुलिस को पूरा यकीन था कि बच्चे बक्सर और मुगल सराय के बीच ही थे, और इसी यकीन के आधार पर उन्होंने पटना, मुगल सराय और बक्सर के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशन की फुटेज में तो कुछ दिखाई नहीं दिया सर। बक्सर बस स्टैंड की फुटेज चेक करते हैं। हाँ, बस स्टैंड की फुटेज दिखा। एक मिनट, वो सफेद बस उसमें से जो आदमी निकल रहा है, पीछे लीजिए सर। हाँ, पॉज करो, जूम करो बस पर, क्लियर करो, इमेज क्लियर करो। ये तो मेरे बच्चे हैं सर। वो स्केचेस वाली फाइल दो जल्दी। यस सर। ये देखो, ये आदमी यही है। जी हाँ। और वो पीछे कितने लोगों पे ज़ूम करना? और ये रहे बाकी के थ्री। जी। बक्सर के एसीपी को इन्फॉर्म करो कि हम आ रहे हैं। ओके सर। मिल जाएंगे बच्चे, मिल जाएंगे। गफूर भाई, उन दोनों बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, वो सीखने को तैयार ही नहीं हो रहे। तुम्हें डराया नहीं होगा ठीक से। लेकिन गफूर भाई आप ही ने तो मना किया था उनको मारने से। मारने से मना किया, अलग करने से नहीं। दोनों की ताकत एक दूसरे में है, कहने कैसे चुपके रहते हैं दूसरे से। सर, इस किडनैपिंग के पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। सच तो यह है कि यहाँ बक्सर में दूसरे शहरों के मुकाबले बच्चों के साथ होने वाले क्राइम बहुत कम है, पर हाँ कुछ केसेस ऐसे आए हैं जहाँ बाहर से बच्चे भीख मांगने के लिए लाए गए हैं। इनफैक्ट अभी हम जिस एनजीओ में जा रहे हैं ये स्वीट चिल्ड्रन के लिए काम करती है, हो सकता है इन दोनों बच्चों की इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिल जाए। क्या बात है सर?
बंसी देवी कहाँ? अंदर है। एक मिनट सर, मैं मैडम को बुला कर लाता हूँ। क्या सर जी, आपसे कितनी बार आवेदन किए हैं कि वर्दी में यहाँ ना आया कीजिए, बच्चे लोग हैं, अच्छा नहीं लगता। अब इतना टाइम नहीं था कि कपड़े बदल कर घर से आ जाऊं वापस। खैर छोड़िए, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? इन बच्चों को कहीं देखा है? चलिए बाहर चलकर बात करते हैं। दरअसल बात ये है कि सर जी तो यहाँ अक्सर आते रहते हैं, कभी भी किसी भी बच्चे का खोने का खबर मिला कि फोटो पहुंचा दी जाती है हमारे पास। एक बार तो एक बच्चा भी मिला था यहाँ से। क्यों सर जी, इन बच्चों का फोटो भी आया है हमारे पास। तो आपने इन बच्चों को कहीं नहीं देखा? जी नहीं, अगर देखे होते तो अब तक इन्फॉर्मेशन दे दी होती। आपके यहाँ के बच्चे करते क्या है? इनका खर्चा कैसे चलता है? करते क्या है मतलब? अरे पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ सीखते हैं, समाज को कुछ ना कुछ तो लौटाना ही पड़ता है सर जी। ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप मर चुके हैं या माँ बाप ने छोड़ दिया इन्हें। और रही खर्चे की बात, तो ग्रांट व्रांट मिल जाता है हम लोगों को। थैंक यू, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें जरूर बताइएगा। जी बिल्कुल, नमस्ते। दूध रोटी खा ना बेटा, दूध रोटी खा ना बेटा। अरे खा, कहा है दीदी? अरे क्या हो रहा है? रोटी का टुकड़ा डाल दिया ना तुमको? हाँ गफूर भाई, डाल तो दिया, लेकिन वो लोग अभी भी टूट नहीं रहे हैं। भाई भाई चिल्ला रहे हैं एक दूसरे के लिए। टूटेंगे, थोड़ा सा पानी और रोटी का टुकड़ा जब उनकी भूख बढ़ाएगा, उनका अकेले रहना जब उनकी हिम्मत तोड़ेगा तो टूटेंगे। देखना गुलाम, बहुत बढ़िया पैसा कमाएंगे इसमें। एक सर्वे के अनुसार हमारे देश में लगभग 1 करोड़ स्ट्रीट चिल्ड्रन, और इनमें से ज्यादातर बच्चे भीख मांगते हैं, और ये गिनती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारी सोच ऐसी है कि भीख देने को हम पुण्य का काम मानते हैं, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि जिसे हम भीख दे रहे हैं उसका अतीत क्या है। पुलिस की कोशिश एक बार फिर अंधेरे में खो गई। ड्राइवर गाड़ी क्यों रोकती? अरे भैया बस 2 मिनट रुके, हमको थोड़ी भूख लगी है। अरे भैया हमारी ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी चलना है। सर यहाँ आकर भी हमारे यहाँ कुछ नहीं लगा। सर हम अपने खबरी नेटवर्क को फिर से डीएक्टिवेट करें क्या? इन बच्चों को कहीं देखा है? एक मिनट, मुझे याद आ गया मैंने उस बच्चे को कहां देखा था। बच्चा? कौन सा बच्चा सर? वही बच्चा जो पीछे भीख मांग रहा था, उसे मैंने बंसी देवी के यहां देखा है। यू टर्न लो। लेकिन सर बंसी देवी ने तो कहा था कि वो बच्चों का ख्याल रखती है, उन्हें पढ़ाती लिखाती है। यही तो समझना है कि ये बंसी देवी आखिर चीज क्या है। श्याम जी उठाइए जरा, आराम से। बेटा डरो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मेरे पास आओ, आ जाओ। भैया श्याम जी, लगता है इसका भाई भी है, जरा देखिए तो, और पुलिस को भी फोन लगाइए। आ जाओ, डरते नहीं। हाँ हम मदद करेंगे तुम्हारी। हाँ क्या हाल बना दिया है बच्चा लोगों का। आगे 12, 13, 15 और ये 19। कितने पैसे है तुम्हारे पास? 19। तुम्हारे? 35। अरे यार तुम्हारे पास हर समय ज्यादा ही पैसे होते हैं। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, तुम आ रहे होगा? नहीं हम ये बाजार में ही घूमेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा से खाओ तुम लोग, भूख लगा होगा ना तुम लोगों को। और कुछ लोगे? पानी? अच्छा एक बात बताओ, नाम क्या है तुम लोगों का? देश। और तुम्हारा? दीपेश।
और तुम्हारी मम्मी का क्या नाम है? सरिता मिश्रा। अच्छा एक बात और, रहते कहाँ हो तुम लोग? करोलबाग, दिल्ली में। अरे वाह, तुम लोगों को तो सब कुछ पता है, वेरी गुड। श्याम जी, जी ये बच्चा लोगों को ले जाइए, इनका कपड़ा उपड़ा बदलवाइए, ख्याल रखिए इनका, कल ये लोग अपनी मम्मी के पास जाएंगे। आओ बेटा मेरे साथ आओ, आओ आओ। गफूर मिया, क्या है ये, क्या हो गया आपकी काबिलियत को? हाँ ये कैसा ट्रेनिंग दिए हैं आप लोग, ये तो सब बता रहे, अपना नाम, माँ का नाम, घर का पता भी। अगर इस तरह से सड़क पर निकल गए और सब कुछ बोल दिए तो क्या होगा पता है ना आपको? चलिए छोड़िए, कल भेजते हैं सही ठिकाने पर इनको, शक्ल सूरत अच्छी है, पैसा अच्छा मिल जाएगा। श्याम जी जरा आराम से, कोनो दाग बाग नहीं आना चाहिए। बेटा सुनो, यहाँ आओ, इधर आओ, घबराओ मत, इधर आओ। मुझे पहचाना? मैं वहाँ आरोही में आया था, तुम वही बच्चे हो ना? नाम नाम, अरे सुनो सुनो बेटा, पता नहीं कहाँ चला गया। ये तो उसी का डब्बा है, थाने चलते हैं, चलो। आग करें मैडम, वो पुलिस का बड़ा लफड़ा चल रहा है। वही तो अरे अरे अरे, कहाँ भागे जा रहे हो? हाँ क्या हुआ? वो हमसे सवाल पूछा था, हम वहाँ से भाग गए। कौन? वही जो कल पुलिस के साथ आया था। तुमने कुछ बोला क्या? नहीं, हमने मुंह नहीं खोला। वेरी गुड। श्याम जी आया, ले जाइए इसे, बोल देगा तो खतरा है। समझ गया मैडम। हाँ उस बच्चे ने बंसी देवी को सब कुछ बता दिया, उसे क्या पता था कि वो उसका साथ दे रहा है जो उसके जैसे प्यारे और मासूम बच्चों को बेचने का धंधा करती है। बंसी देवी के लिए उसका एनजीओ एक नकाब था, एक मुखौटा था। वो बच्चों के दिल में ऐसा खौफ पैदा कर देती थी कि अगर बच्चे कभी कुछ बोलना भी चाहें तो डर के मारे बोल नहीं पाते थे। बंसी देवी ने दिपेश का भी कुछ ऐसा ही हाल किया था, अब सिर्फ उसके आंसू ही उसका दर्द बयां कर सकते थे। और उधर भीख मांगते हुए बच्चे को देखने के बाद पुलिस को एक आशा की किरण नजर आई, और पुलिस इस मौके को किसी भी हालत में नहीं खोना चाहती थी। आज हम अंजलि के साथ बाहर गार्डन तलाशी, कहाँ जा रहे हैं आप लोग अंदर? सुनिए मेरी क्या है, ये सच है कि आप एनजीओ के आड़ में भीख मांगने का धंधा चलाती हैं? क्या श्याम जी? जी मैडम। क्या कहा आपने? ये बच्चा लोग आपको भीख मांगने वाले लगते हैं? कल एक बच्चा देखा था मैंने यहाँ पर खाना खाते हुए, वही बच्चा सड़क के किनारे भीख मांग रहा था, पूछताछ की तो भाग गया। वो बच्चा कहाँ है? सर बच्चा बाहर नहीं मिला, और बाकी बच्चे भी कुछ बोल नहीं रहे। अंदर कुछ भी नहीं है। मिल गया, तुम छुपाने की जितनी भी कोशिश कर लो सच्चाई का पता तो हम लगा के ही रहेंगे। आप पता लगाइए, हम फोन लगाते हैं। हेलो, हाँ बोलो धर्मेश। सर वो दोनों पकड़े गए जिनका स्केच बनवाया था। जी सर, उनके साथ एक लेडी भी है। सर पटना स्टेशन में चोरी का सामान बेच रहे थे, हमारे इन्फॉर्मर ने पहचान लिया सर, उनसे ये पता लगा है कि वो दोनों बच्चे किसी गफूर को बेचे गए सिर्फ 3,000 रुपये में। सर गफूर का एड्रेस है? साहब हम लोग बच्चों से भीख नहीं मंगवाते और ना ही बच्चे किडनैप करते, हम तो बच्चे खरीदते हैं और उन्हें आगे भेज देते।
किसे भेजते हो? बंसी देवी को, और वही बच्चों को भीख मांगने के काम पे लगाती है। किसी भी इलाके में कोई भी उसकी इजाजत के बगैर भीख नहीं मांग सकता। कौन सा बच्चा कब कहाँ क्या बन के भीख मांगेगा ये वही तय करती है, तो सिर्फ ट्रेनिंग देते। तो ये ट्रेनिंग स्कूल है? जी साहब। तो फिर अपने खुद के बच्चे को कब से ट्रेन कर रहे हो? तुम्हारी पहुंच की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो पूछा जा रहा है उसका सीधे सीधा जवाब दो। बताओ बताओ बच्चे का? नहीं जानते। नहीं जानते? इसकी तब तक खातिर करो जब तक इसे सब याद ना आ जाए। आरा में है दोनों। आरा में क्या कर रहे बच्चे? वहां से गया ले जाएंगे। जी सर। धर्मेश, बच्चों को आरा भेजा जा रहा है और वहां से ट्रेन से गया ले जाएंगे। कौन सी ट्रेन से सर? किस ट्रेन से? ये हमको नहीं पता होता। ये वही लोग तय करते हैं कि कौन सा ट्रेन से लेकर जाएंगे। बता। बता रहे। अच्छा, लोगों का ट्रैफिकिंग का कॉन्ट्रैक्ट हम जिनको देते हैं वो दिल्ली में है। पिकअप से लेकर गया में हमारे कॉन्टैक्ट तक पहुंचाने का काम वही लोग करते हैं। सुना तुमने धर्मेश, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम दिल्ली पुलिस को कांटेक्ट करें या उनसे इन्फॉर्मेशन, सब हमें ही करना होगा। तुम कहाँ हो इस वक्त? सर मैं पटना से मुगलसराय जा रहा हूँ, लेकिन मैं आरा उतर जाऊंगा। ओके। जो बच्चे कभी अपने घर के लाडले हुआ करते थे, अपहरण के बाद उन्हें भिखारी बना दिया जाता है या वाराणसी, आगरा और गया जैसे शहरों में भेज दिया जाता है ताकि उन्हें देह व्यापार या अंग व्यापार के लिए बेचा जा सके। कुछ बच्चों को तो ऊंट रेस में जॉकी बनाकर शामिल किया जाता है जहां अक्सर उनकी मौत हो जाती है। एक तरफ इनके माँ बाप इन्हें तलाश करते रहते हैं और दूसरी तरफ ये बच्चे नर्क जैसी जिंदगी जी रहे होते हैं। इसी तरह से करीब 15-20 बच्चों को गया भेजा जा रहा था। ये ले, इसे तू पकड़, बच्चे भी ले गया। चल, ध्यान रखना, पुलिस हम पे कुछ ज्यादा नजर रखे हुए है। कोई किसी से बात नहीं करेगा, किसी के साथ नहीं रहेगा। अगर एक दूसरे का फोन नंबर भी हो ना तो कोई कांटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? इसे ले, इसे तू लेकर जाएगा। वहां एक औरत मिलेगी जो इसकी माँ बनकर आएगी, और गैस स्टेशन पहुंचते इन बच्चों को वहां पहुंचा देना जहां का पता दिया हुआ है। पैसे वहीं मिल जाएंगे। हथियार उतियार रख लिए? हाँ। लेकिन हथियारों का इस्तेमाल तब तक नहीं करोगे जब तक मैं नहीं कहूँगा, समझे? ठीक है। ये लो ट्रेन का टिकट, गया एक्सप्रेस 9:45 का ट्रेन है। तुम लोग आसपास की बोगी में ही रहोगे, समझे? निकलो। और दूसरी टीम हमारी? बात नहीं करनी है, कहा ना? चलो। हाँ जी। चलो निकलो। सर एक ट्रेन अभी निकल रही है, हाँ। दूसरी 9:45 पर है, हाँ, उसके बाद अगली 11:30 बजे। कीप एन आई, हाँ? क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि बच्चों को किस ट्रेन से भेजा जा रहा है। राइट 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 सर, राइट सर, ओके। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? बच्चा किसका है? हमारा है। वहाँ किधर है? अरे आप हो कौन? पुलिस। गया जा रहे हैं हम लोग, वही है इसकी माँ। सॉरी। आरा से गया जाने वाली 4 ट्रेन्स थी जो आरा से रात को चलती हैं, लेकिन बच्चों को किस ट्रेन में ले जाया जा रहा है इसकी भनक तक नहीं थी पुलिस के पास। सच तो यह है कि ये भी यकीन से नहीं कह सकते थे कि सारे बच्चे एक ही ट्रेन से जा रहे थे। रेलवे पुलिस की समझ में आ गया था कि वो प्लेटफॉर्म पर आम लोगों से पूछताछ करके बच्चों को नहीं ढूंढ पाएंगे, बल्कि हो सकता है कि इससे चिंता का माहौल बन जाए।
और तब जीआरपी ने सीसीटीवी के जरिए प्लेटफॉर्म पर नजर रखना शुरू किया। ये कैमरे को जूम करो। इसको मॉनिटर पर ले। रामा भैया तो आए नहीं अभी तक, क्या करें अब? हमें यहाँ से अलग अलग हो जाना चाहिए अब। यहाँ से जाऊं? हाँ ठीक है, तुम निकलो। चलो। और सुनो, मैं अगर इधर से जाता हूँ तो तुम मेरे पीछे पीछे आके ना सीधा चले जाना वहां से, और तुम इधर से निकल जाना, है ना? ललिता कहाँ गई? वो तो निकल गई इधर से। सही किया। सुन, तू यहीं से जाएगा। हाँ ठीक है। और तू इसके साथ निकल। पकड़ इसको। क्या बात है भाई साहब? कुछ बोला ना तो तेरे भाई की जान ले लूंगा। क्या बात है भाई साहब? कुछ नहीं, वो बच्चा है ना, आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा था। क्यों बेटा? ठंड है इतनी और आइसक्रीम खाने की बात कर रहा है, बीमार हो जाएगा। सही बेटा, आपके पापा सही तो बोल रहे हैं, ये ठंडी में आप आइसक्रीम खाएंगे तो बीमार तो हो जाएंगे ना। मत खाइए सर्दी में आइसक्रीम। हाँ जाइए, पापा के साथ जाइए, मत खाइए, जिद मत करिए। दिव्येंद्र, कुछ पता चला? देखो, ये तुम्हारा आखिरी चांस है, अभी भी वक्त है, सब कुछ सच सच बता दो। हम सच में कुछ नहीं जानते। कांस्टेबल, अपना बैंक लेके आओ। नहीं नहीं, हम नहीं जानते, सच में कुछ नहीं जानते। एक मिनट, इसको जूम कर। नहीं जाने दो उसको, नजर रखो उस पर। और बता। दिपेश के आंसू भी सूख चुके थे और उसकी आंखों से उम्मीद की रोशनी भी बुझ सी गई थी। जब तक उसका भाई उसके साथ था, उसमें हिम्मत थी। और यही इन लोगों का तरीका होता है कि बच्चों की ऐसी हालत कर दो कि वो किसी के सामने कुछ भी बोलने से पहले डरे। एक तरफ बच्चे आरा स्टेशन पहुंच चुके थे और दूसरी तरफ जीआरपी की समझ में अभी तक नहीं आ रहा था कि उन्हें किस ट्रेन से भेजा जा रहा था। समय निकलता जा रहा था और जीआरपी की चिंता बढ़ती जा रही थी। इसको ज़ूम करो। हेलो सर। हाँ मैं सर 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे हूँ। एक बच्चा है ऑरेंज टी शर्ट में, एक आदमी औरत के साथ जा रहे हैं S4 डब्बे के सामने, नजर रखो उस पर। राइट सर। S4 ये है क्या? नहीं ये अपना नहीं है, आगे होगा। लगी है। चल जल्दी वरना पानी चाहिए। हाँ बेटा चल, पानी की बोतल देना। सारे कैमरे चल रहे हैं? जी सारे कैमरे चल रहे हैं।
यही है, यही यही है। रोको इसको, देखना शोर नहीं होना चाहिए। तुम उनका पीछा करो, छोड़ना मत उन्हें। एक मिनट इधर आइए, साइड में आइए, साइड में बच्चे को छोड़िए, इधर आइए। क्या हुआ? अभी सब पता चल जाएगा, आप साइड में रहिए। पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं रह गया था, या तो वो ट्रेन को जाने देते और गया पुलिस को खबर करके इंतजार करते कि सब वहां पर पकड़े जाएं, और या वो चलती ट्रेन में चढ़ने का रिस्क उठाते। अपने भाई को अकेला ना छोड़ने की वजह से सिद्धेश ट्रेन में चढ़ा था, तो वहीं यूपी पुलिस की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि चलती ट्रेन में चढ़कर क्रिमिनल्स का सामना करना कोई आसान काम नहीं था। सर वो बच्चा मिल गया, मेरे पास ही है सर। हाँ एक मिनट सर। बेटा आपको पता है कितने लोग हैं? 6-7। सर 6-7 लोग हैं बता रहा है। That's very good धर्मेश। और बाकी के बच्चे? हाँ आपको पता है बाकी के बच्चे कहाँ हैं? नहीं सर इसे नहीं मालूम है। ओके एक काम कर। सो जा बेटा। अच्छा एक बात बताओ, जब आपको पुलिस ने बचा लिया था तो आप दोबारा से ट्रेन में क्यों चढ़ गए थे? क्योंकि मेरा भाई इसी ट्रेन में है, और मैंने मेरे भाई से वादा किया था कि मैं यही ट्रेन में रहूं। आप बहुत बहादुर हो। अच्छा एक काम करो, आप अभी यहीं रुकना ठीक है, और अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। कोई भी बाहर से दरवाजा खटखटाए खोलोगे नहीं। जब तक मेरी आवाज नहीं सुनोगे आप दरवाजा मत खोलना ठीक है? आप हिम्मत रखिए, आपके बच्चे मिल जाएंगे। मिल जाएंगे? मुझे पुलिस स्टेशन से फोन आया था कि मेरे बच्चे मिल गए हैं। वो फोन मैंने ही आपको करवाया था। तो कहाँ है मेरे बच्चे? देखिए आपका एक बच्चा मिल गया है और हमारी हिफाजत में है, और दूसरे की हम तलाश कर। क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? प्लीज। ठीक मैं आपकी उससे बात कराने की कोशिश करूँ। हेलो इंस्पेक्टर, वो बच्चा कहाँ है? सर वो सेफ है। क्या हम उससे बात कर सकते हैं? उसकी माँ यहाँ हमारे साथ है, वो बात करना चाहते हैं। हाँ सर मैंने उसे बाथरूम में ही रहने को कहा है, उसकी जान को खतरा है सर। लेकिन उसकी मामा से कहिएगा सर कि वो बच्चा बहुत बहादुर है। अब एक मिनट इंस्पेक्टर, मैं आपको स्पीकर पर लगा रहा हूँ। आपका बेटा बहुत बहादुर है, उसे तो आरा स्टेशन पर ही बचा लिया गया था, लेकिन वो दोबारा से ट्रेन में चढ़ गया क्योंकि उसने अपने भाई को वादा किया था कि वो उसके साथ ही रहेगा। उसका ख्याल रखना धर्मेश, और अपना भी। जीआरपी के कितने कांस्टेबल हैं तुम्हारे पास? सर कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन 2 या मैक्सिमम 4 होंगे सर। मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन मिली तो मैं तुम्हें तुरंत बताऊंगा। जी सर।
ऑल द बेस्ट। और जो सिन्हा वाली बात तुम कर रही थी, और वो जो सिन्हा जी की बेटी की शादी है, तो जरा उनके बारे में भी तो सोचना है। अरे भाई साहब आप खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए ना। माँ सर पानी दो, मैं प्यास लगी है। दे नीचे बोतल सजा बाद में पी लेना। ए चुप, अभी दवाई दी ठीक हो जाएगा, सोचो चुपचाप। सर मैं क्या पुलिस और जीआरपी कंफर्म कर देना चाहिए कि ट्रेन के वहां पहुंचते ही ट्रेन को घेर लें? नहीं, बदमाशों के पास हथियार हो सकते हैं और ये एक हॉस्टेज सिचुएशन बन सकती है। हम इतने सारे बच्चों और पैसेंजर्स की जान खतरे में नहीं डाल सकते। मगर सर हम हाथ पे हाथ रख के बैठे भी तो नहीं रह सकते। आई नो, ये तो अच्छा है कि ट्रेन में इंस्पेक्टर धर्मेश, अगर वो सारे बच्चों और क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तब हम गया में कोई एक्शन ले सकते। मगर सर वो तो अकेले नहीं, उनके साथ जीआरपी के 3 या 4 कॉन्स्टेबल्स भी हैं। गया पुलिस और जीआरपी को इन्फॉर्म कर लो, लेकिन उनसे कहो कि स्टैंड बाय पे रहे और जब तक हम ना कहे कोई एक्शन ना। ओके सर। ओए चने, चने वाला चने, गर्मा गर्म चने देना, बोलो ना। चने वाले चने, गर्मा गर्म चने। हेलो। हाँ धर्मेश बोलो। हाँ सर, 2 बच्चे आइडेंटिफाई हो गए। सीट नंबर नोट, S3 41 और 42। ठीक है, गया की टीम को इन्फॉर्म करो। पुलिस वालों को खबर हो गया तो हमने बच्चा लोगों को जल्दी जल्दी एनजीओ से हटा दी, वो सब्जी वाली गाड़ी में लाद के उनको स्टेशन पहुंचा दिया गया। इसके बाद से कुछ नहीं पता। सर, आरएस स्टेशन के बाहर एक बच्चे की लाश मिली। यस सर। इंस्पेक्टर, बच्चों को बक्सर से आरा सब्जी वाले टेम्पो में लाया गया था और आरा स्टेशन के बाहर एक बच्चे की लाश मिली। ओह गॉड, अब ये तो नहीं पता कि वो लाश उन्हीं बच्चों में से किसी की है, लेकिन अगर है तो बच्चे काफी डरे हुए होंगे, सो बी केयरफुल। आई अंडरस्टैंड। ओके देर से घूम रहे हो, क्या बात है, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, हमने भी नोटिस किया, बहुत देर से इधर उधर घूम रहे हो, क्या चक्कर है? बैठने की जगह ढूंढ रहा था। अरे भाई गाड़ी इतनी खाली पड़ी हुई है, कहीं बैठ जाओ, आ जाओ, यहीं बैठ जाओ, आ जाओ। हाँ तो हम क्या कह रहे थे, वो जमीन का था ना, अरे हम कितना मनाए उसके ऊपर, मान ही नहीं। इंस्पेक्टर, बच्चों को बक्सर से आ रहा सब्जी वाले टेम्पो में लाया गया था। हमको पेशाब करना है। देखो बेटा, डरो मत,
मैं जो पूछ रहा हूँ सच सच बताना, हम आपकी मदद करने हैं। आप बक्सर में भीख मांगते जरा, मुझे पता है कि अभी आपको गया ले जाया जा रहा है ना। ठीक है, अब जो मैं कह रहा हूँ वो करना है। यहाँ से चुपचाप निकल कर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाना और किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? अब मैं कहने जाता हूँ, मेरे पीछे आओ। का खा लेते हैं, कितना खा लेते हैं, बैठ जाते हैं घुस के। कोनो बरात रात में से आएगा? अरे निकलो भाई। कहा भाई, इतना खा के बैठ जाते हो आगे? बेटा दरवाजा खोल, मैं हूं। बेटा बेटा दरवाजा खोलो, मैं पुलिस अंकल हूं। अरे इतना क्यों घबरा हुआ है तू? हाँ दरवाजा खोल। ए क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर धर्मेश, जीआरपी मुगलसराय। यस सर। एक काम करो, तुम दोनों यहीं खड़े रहना, अंदर का आदमी किसी भी कीमत पे बाहर नहीं आना चाहिए। ओके सर। चलो। बाथरूम जाना है। चुपचाप सो जा, 15 मिनट में स्टेशन आने वाला है, तब कर लेना। अरे बहन जी करवा लाइए ना, कहीं ऊपर से कर दिया तो बारिश हम पे हो जाएगी। अरे बहन जी कहिए तो हम लेकर के चले जाए। हाँ हाँ से कोई है क्या? मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी जान को खतरा है। अच्छा एक काम करो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करोगे। अभी तुम सोने की एक्टिंग करना, ओके? भाई साहब जरा बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं यहां थोड़ी देर सुला सकता हूं? संभाल
सोने की एक्टिंग करना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। इन्हें गाड़ी में बिठाओ। हाँ इंस्पेक्टर। सर S-423 पे जो आदमी बैठा हुआ था वो मारा गया है और दो बच्चे वहीं बैठे हैं। इंस्पेक्टर ट्रेन गया कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएगी और अगर तब तक आपने सारे क्रिमिनल्स और बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। डिड यू अंडरस्टैंड सर? ट्रेन गया पहुंचते ही जीआरपी के कुछ जवान ट्रेन में चढ़ जाएंगे और आपके बताए सीट नंबर्स पर पहुंच जाएंगे। सर सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है कि जिस बच्चे को मैं पहचानता हूँ सर वो अभी तक ढूंढ नहीं पाया हूँ। कोशिश करते रहो इंस्पेक्टर, हम भी गया पहुँच रहे हैं। चलो सर, मैं अभी आया। अरे यार तू, अच्छा हुआ तू आ गया। मुझे ललिता ने फोन किया था। हाँ हाँ हाँ, उसका फोन आया था मेरे पास, शायद उसने रिंग सुनी होगी। देख पुलिस को खबर लग चुकी है, वो पुलिस वाला बच्चे के साथ में था, इसका मतलब गया स्टेशन पे, पुलिस तैयार होगी। एक काम कर, जिसको खबर कर सकता है कर, ठीक है? और हम यहाँ से चेन खींचते हैं और निकलते हैं, चल फटाफट। श्योर उसको पुलिस की भनक लग गई है सर। सर अगले स्टेशन गया में ये कुछ ना कुछ जरूर करने की कोशिश करेंगे। लाइक चेन बुलेट। यस सर। भाई सब करवट ना, तू हरामी गंकन की वजह से हुआ। अरे एक तो है ना हमारे पास, हमारे ख्याल से अगले आउटर के सिग्नल से पहले चेन खींच कर ट्रेन रोक देते हैं। रामा कुछ गड़बड़ हुई ना तो हम गाड़ी के नीचे ही फेंक देंगे। हाँ तो फेंक देंगे ना। चलो चलो जाओ चेन खींच लो। जोर से खींच। अरे खींच रहा हूं लेकिन गाड़ी रुक नहीं रही। जा दूसरे डब्बे में जा, यहां मैं खींचता हूं। हाँ सर ठीक है ठीक है। ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? कैप्टन ये पकड़ पकड़। ट्रेन क्यों नहीं रुक रही है? ये क्या कर रही है? अरे वो वहां गया था, मर गया क्या? दरवाजा खोल कूदते हैं। पता चला कि उनका मेन आदमी S3 सीट नंबर 72 में है। दिल्ली में पकड़े गए लोगों ने यह इंफॉर्मेशन दी है। चुप चुप।
बच्चे को नहीं फेंकना, बच्चे गन रख रख लो। छोड़ इसको, लेके जा लेके जा। कुछ नहीं किया परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा है कि ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। इस तरह एक सफर खत्म हुआ, एक ऐसा सफर जिसमें दो बच्चों को एक ऐसे नरक से गुजरना पड़ा कि नास्तिक के दिल में भी आस्था जाग जाए। 2013-2014 के आंकड़ों के हिसाब से उस साल लगभग 66,000 बच्चे लापता हुए। हर 8 मिनट में किसी बच्चे का अपहरण होता है और इनमें से ज्यादातर बच्चों को बेच दिया जाता है। यूपी पुलिस और रेलवे पुलिस ने जिस चतुराई और जाबाजी के साथ इस केस को हल किया वो सराहनीय है। जिस तरह के लोग बैगिंग माफिया यानी कि बच्चों का अपहरण करके उनसे भीख मंगवाने के व्यापार में शामिल हैं, ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, किसी की जान भी ले सकते हैं। पुलिस तो अपना काम बखूबी निभा ही रही है, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सतर्क रहें, अपनी आंखें खुली रखें। आपके आसपास पार्क्स में, मोहल्ले में, मार्केट में या स्कूल के बाहर या फिर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर अगर आपको कोई भी संदिग्ध हरकत दिखाई दे तो आप तुरंत पुलिस को इत्तला करें। अगर हम आज की इस भागती दौड़ती तेज रफ्तार वाली जिंदगी में सतर्क रहने के लिए थोड़ा सा भी वक्त निकाल पाएं तो शायद हम आने वाली मुसीबतों से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। पुलिस हमारी मदद करती है तो हमारा भी फर्ज है कि हम पुलिस की मदद करें। आपसे फिर मुलाकात होगी अभी थोड़ी ही देर में रात 11 बजे क्राइम पेट्रोल सतर्क में। देखते रहें क्राइम पेट्रोल, सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।